नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे समस्ट फॉर्म से दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डुप्लेक्स सिरप के बारे में। बात कर रहे हैं दोस्तों, आपको इसके यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब तो दोस्तों आज हम बात करें डुप्लेक्स सिरप के बारे में। बात करें दोस्तों, ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो MRP होती है मार्केट में, ये आपको 193 रुपये का मार्केट में मिल जाता है। इसका रेट घटता बढ़ता रहता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, ये 150 ml में अवेलेबल हो जाता है आपको। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसके अंदर जो सॉल्ट डाला गया दवा का सॉल्ट कंटेनर जो फार्मूला है दोस्तों, वो है लैक्टोलूस इसके अंदर है। जैसे कि आप देखें लैक्टोलूस दोस्तों, इसके इस तरफ के अंदर डाला गया है, इसका सॉल्ट कंटेनर लैक्टोलूस। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, लैक्टोलूस के इसके जो ये डॉक्टर की पर्ची पे मिलने वाला होता है दोस्तों, और हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाता है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलता है आपको ये। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो यूज़ लिए जाते हैं इलेक्ट्रोलूस के, तो दोस्तों इसके यूज़ लिए जाते हैं जैसे कि आपके कब्ज़ होता हो, कब्ज़ पेट में होता हो, या आपको दोस्तों लाइटिन टाइट आता हो, तो दोस्तों ये लाइटिन को आपके मुलायम बनाता है, आँतों में मतलब पानी जाता है, इकट्ठा होता है, उस मल को जो टाइट होता है उसको पतला करके बाहर निकालता है। मतलब इससे टाइट लाइटिन को पतला ये लाइटिन करता है। जब बवासीर होती है आपको, या मतलब भगंदर जैसे शिकायत होती है, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है, मतलब लाइटिन को ये पतला करता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, कब्ज़ में और इसका मतलब जो एसिडिटी होती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट जो होते हैं, कॉमन से नोज़ वोमिटिंग, डस्ट लगना, उल्टी होना, चक्कर आना, स्किन पर एसिड निकलना, चक्कर होना, इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट है। इससे ज़्यादा देखिए अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। होती है इसको सामान्य है, इसकी जो खुराक है इसका 5 ml या 10 ml, इसको दिन में 2 बार डॉक्टर देते हैं दोस्तों। और कम समस्या होने पे से एक टाइम दिन में दिया जाता है, रात में सोते टाइम ज़्यादातर इसको एक ही टाइम देते हैं। ज़्यादा परेशानी होने पे, अगर टाइट लाइट नहीं आ रहा ज़्यादा या कब्ज़ हो रहा, तो इसे दिन में 2 टाइम दिया जाता है, वरना 1 टाइम दिया जाता है इसको बॉडी वेट के हिसाब से, बोर्ड इसकी कैलकुलेशन करके। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेटेड गर्भवती महिला, स्तनपान करने वाली महिला, जो प्रेगनेंसी की तैयारी करी, अपने डॉक्टर की सलाह ले, हार्ट वाले, लीवर वाले, किडनी वाले जो मरीज होते हैं, वो अपने डॉक्टर की सलाह लें। और दोस्तों इसको अल्कोहल के साथ में इसका यूज़ ना करें, और इसके लत नहीं पड़ती, इसकी आदत नहीं होती। और इसको, या दोस्तों जैसे गर्भवती महिला होती है, प्रेगनेंसी में गैस बनता हो, कॉप्टिपेशन होता हो, कब्ज़ होता हो, प्रेगनेंसी में उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों आपको लाइटिन बहुत टाइट आता है, या आपके दोस्तों कब्ज़ बनता है, जैसे मैंने बताया आपको लाइटिन, या बवासीर आपको भगंदर, उसमें लाइटिन टाइट आता है, तकलीफ़ होती है, लाइटिन करने में जोर लगाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है, का जो यूज़ लिया जाता है वो कब्ज़ में लिया जाता है। दोस्तों अगर लैक्टोलूस सिरप के बारे में, आपका डुप्लेक्स के बारे में कुछ सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। धन्यवाद दोस्तों।